स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मुझे आज ना घूमने का मन किया। तो मैं आज हमारे गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव है नागोई, और आज है सोमवार, तो आज यहां पर ना बाज़ार बैठता है, तो इसीलिए आज पहली बार आ रहा हूं मैं देखने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को बाज़ार, नागोई का बाज़ार। ठीक है, अभी मैं इधर से आया हूँ और जाना है इधर इधर नागोई, और उधर रोड दिख रहा होगा, उधर सीता कटरा है, उधर से भी घूम कर ऐसे हमारे गांव जाते हैं, और इधर से ननगांव टूमिडी होकर हमारे गांव जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, बस्ती तरफ गांव है इधर, चलिए दिखाते हैं मार्केट कैसा है। ठीक है, तो चलते हैं, चलो। दिख रहा है नगोई का बस्ती, और बाज़ार इधर बैठता है, ये मुझे देखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो बकरियाँ, जानवर और बैलगाड़ी, बहुत दिनों बाद पहली बार देखने को मिला, आप लोग भी देख लीजिए। और ये है नगोई का बस्ती, देख लो। और यहाँ से मैं जाऊँगा राइट साइड में, मुझे भी पता नहीं था किधर बाज़ार बैठता है करके, मैं ऐसे ही जा रहा था, और बाज़ार भी इधर ही बैठता है जहाँ पर मेला लगता है वहाँ पर। डीपा पारा नगोई, तो यहीं पर बाज़ार बैठता है, और मैं अपना बाइक खड़ा कर दिया हूँ यहाँ पर, और चलते हैं घूमने, देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। छोटा सा बाज़ार है, मतलब नया नया अभी अभी लगा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ सामान दिखाई नहीं दे रहा है, बस इधर कपड़े दुकान है, और इधर जानवर वगैरह आ रहे हैं, और इधर चप्पल दुकान देख लो। अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा है। इधर सब्जियों का दुकान लगा हुआ है, ग्वार फल्ली, बरबट्टी भाजी, लाल भाजी, खेड़ा चेज भाजी, और सब्जियां, बरबट्टी, कुंदरू, परवल, टमाटर 70 रुपये किलो, बहुत महंगा बिक रहा है आजकल सब्जियां। करेला 40 रुपये किलो, और इधर और बहुत सारी सब्जियां आई हुई है, बरबट्टी 40 रुपये किलो। करेला तो पहले कम बिक रहा था, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, 40 फिर 50 भी बिक रहा था। इधर कद्दू, लौकी और कुंदरू, भाटा, रमकलिया, चलो चलते हैं इधर और देखते हैं थोड़ा बहुत, और देखेंगे उसके बाद चलेंगे शाम के टाइम। थोड़ा आजकल मौसम ख़राब रहता है हमारे तरफ। ओ सर, करेला के रुपये ले जाना सर, 40 से 30 टूशन बता था, झुंगा किसे है? 40 पताल। एक लाइन से 60 टमाटर, छाटेंगे तो 70। और इधर सारी सब्जियां तो बहुत सारी आई हैं, बरबट्टी, टमाटर, खीरा, परवल, मिर्चा, मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, बैंगन, करेला, भिंडी, आलू, बहुत सारी दुकान लगे हुए हैं यहाँ पर। क्या आइसक्रीम है शायद, आइसक्रीम दुकान। इधर सब्जियों का बीज भंडार। चलो और आगे चलते हैं, कुछ
ये होटल, छोटा सा होटल है और ज़्यादा दुकान तो नहीं दिख रहा है मेरे को, बस इतना ही है। और इधर कुछ बन रहा है, मंचूरियन, अभी तो नहीं खाना है। और इधर देखो बांस का बना हुआ तो सूपा, मुर्री, चुरकी, टोकरी, टुकना जिसको हम बोलते हैं। इधर चप्पल दुकान है, छोटा सा मार्केट है और नया नया अभी अभी बैठना, मतलब अभी अभी शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है बैठना। और इधर है बस्ती नगोई का और यहाँ पर बोरवेल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ घर तरफ वापस और बाजार घूम लिया, कुछ भी नहीं खरीदा, मैं ऐसे ही घूमने आया था। और अभी मौसम भी शाम को, आजकल दो तीन दिन से ना मौसम ख़राब होने की स्थिति बनी रहती है, शाम के टाइम पे आंधी तूफान चलता है, तो इसलिए जल्दी वापस जा रहा हूँ। और अभी मैं अलग रास्ते से जा रहा हूँ, चीता कट्ठा वाला रास्ते से, तो पीछे जंगल दिख रहा होगा इधर। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। तो आज का इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहर।